तो माय डियर स्टेंस, आप सब कैसे हैं? आशा करते आप सभी अच्छे होंगे और आशा करते आप सभी इस कोरोना महाकाल में हर हर महादेव कृपा से अच्छे और सुरक्षित ही होंगे। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय डियर स्टेंस, इकोनॉमिक झालर एंड लड़ियां। सही सुना मेडिसिन, इकोनॉमिक झाला ले लड़िया। सबसे पहले आपको, आपके पूरे परिवार को, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, मैं से विश यू ऑल बेस्ट फॉर वेरी हैप्पी छोटी दीपावली या हनुमान जयंती टू यू एंड योर फैमिली ऑन बिहाफ ऑफ मी एंड माय फैमिली। ओके, मैं से तो विश यू ऑल बेस्ट फॉर वेरी हैप्पी छोटी दीपावली एंड हनुमान जयंती टू यू एंड योर फैमिली ऑन बिहाफ ऑफ मी एंड माय। ओके, मैं से तो आज हम फिर अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो छोटी दीपावली, जो छोटी दीपावली को हनुमान जयंती भी कहते हैं, हनुमान जयंती हम मनाते हैं। ओके, मैं से ओके विश्व बेस्ट। तो हमने टॉपिक से व्हाट इज इकोनॉमिक, इकोनॉमिक झालर एंड लड़ियां। पहले बता देते हैं कि झालर लड़ियां क्या है। झालर लड़ियां है जो बल्ब होती है, जो तरह तरह की रोशनी, तरह तरह के कलर में रोशनी देती हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी देते हैं, तो वो लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी देता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे झालर हैं जो लपलुप लपलुप करते हैं, तो मूव करते हैं, तो मूव करते हैं मतलब मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। ओके, मैं तो हम कह सकते हैं कि झालर वह इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलता है और जो लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इसका इकोनॉमिक एक्सपेक्ट क्या है इकोनॉमिक झालर लड़ियां का? इसका इकोनॉमिक एक्सपेक्ट यह है कि मार्केट में जितने झालर लड़ियां आएंगी उतने ही मार्केट में उसका डिमांड, जितने भी मार्केट में झालर लड़ियां आएंगी उतने ही मार्केट में उसका प्रोडक्शन होगा, और जितना मार्केट में प्रोडक्शन होगा तो फिर उतना ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो उतना ही इनकम जनरेट होगा, फिर उतना इनकम जनरेट होगा तो उतना ही कंजम्पशन जनरेट होगा, फिर जितना कंजप्शन एक्सपेंशन हो फिर उतना सेविंग रिस्मेंट भी होगा, फिर जितना सेविंग रिस्मेंट जनरल फिर उतना फिर प्रोडक्शन होगा। मतलब कह सकते हैं कि जितना मार्केट में एक झालर लड़ियां की डिमांड बढ़ेगी उतना ही उनका मार्केट प्रोडक्शन होगा, और जितना प्रोडक्शन होगा तो उतना ही एम्प्लॉयमेंट होगा, उतना ही कंजप्शन एक्सपेंशन, उतना ही सेविंग रिस्मेंट, उतना ही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन। यानी हम कह सकते हैं इकोनॉमिक एक साइक्लिक वे में चले, इसी को कहते हैं इकोनॉमिक झालर, झालर एंड लड़िया। यानी हम कह सकते हैं झालर लड़िया का इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर, जो किसी भी देश की इकोनॉमी के ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। माना कि शॉर्ट टर्म के लिए सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, दिवाली पे झालर लोग खरीदते हैं, जब छठ तक हफ्ता 10 दिन तक झालर लड़िया खरीदते रहते हैं, माना कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट शॉर्ट टर्म, लेकिन सीजनल शॉर्ट टर्म में ही किसी भी देश की इकोनॉमी का ग्रोथ डेवलपमेंट भी बहुत होता है, जो जिसका बेस क्या होगा, प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट कंजम्पशन सेमी स्मेंट। ओके, मैच तो हम कह सकते हैं झालर और लड़ियां का इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, मैच तो आज हमने चर्चा किया इकोनॉमिक झालर एंड लड़ी। ओके, मैच अगर आपको इसमें से कहीं कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर किया, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर नहीं तो विजुअल वे मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे, सीख रहे, आगे आगे बढ़ रहे, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे, इससे मुझे खुशी की क्या बात हो सकती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो टू योर फ्रेंड रिलेटिव, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो 1 रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़े और मेरा मन वीडियो आपके लिए, आप सभी सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लाभ, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज डज नेवर गेट स्पॉइल। ओके, वैसे तो कल फिर मिलते हैं इसी समय फिर इसी तरह इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत या इसी टॉपिक से, मतलब फिर किसी टॉपिक से। टेल देन बाय बाय, गुड नाइट, शिव एंड वंस अगेन, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक बार पुनः आपको, आपके पूरे परिवार को छोटी दीपावली या हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल बेस्ट टू यू एंड योर फैमिली ए वेरी हैप्पी छोटी दीपावली या हनुमान जयंती ऑन बिहाफ ऑफ मी एंड माय फैमिली। ओके, मैं से हर हर महादेव, हर हर महादेव।